आज दिनांक 8 जनवरी 2022 को हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजू प्रसाद ने संगठन का विस्तार करते हुए बाढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके एवं गरीबों मजदूरों एवं किसानों के हितैषी और उनके सुख दुख के साथ ही क्रमवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी को संगठन का प्रदेश संरक्षक के पद पर मनोनयन किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार, रणवीर कुमार यादव एवं जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अधिवक्ता श्रवण कुमार मुखिया, पंकज कुमार प्रमुख, उपेंद्र पासवान प्रमुख बाढ़ एवं उप प्रमुख ललन यादव आदि लोगों ने खुशी जाहिर की है और आशा व्यक्त किया है कि क्रमवीर सिंह यादव, लल्लू मुखिया, राम मनोहर लोहिया एवं जॉर्ज फर्नांडिस के सामाजिक समरसता और मजदूर किसान मजदूर हक के विचारों को आगे बढ़ाएंगे एवं समाज और देश में सामाजिक एकता लाएंगे। 9 वर्ष के सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन और आज हिंद मजदूर किसान पंचायत जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1953 में सपना देखा था, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने बढ़ाने का काम किया, जिसको मधु दंडवती जिनकी आज पुण्यतिथि है और जयप्रकाश नारायण जी ने जिस संगठन को आगे बढ़ाया, उस संगठन में आज हमारे क्षेत्र के जाने माने शख्सियत गरीबों मजदूरों और किसानों के बीच में निरंतर उनके दुख सुख के साथी और युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री क्रमवीर सिंह यादव जी उर्फ लल्लू मुखिया जी आज उस संगठन में पूरे बिहार प्रदेश के संरक्षक के रूप में शामिल हो रहे हैं। हम सब इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हिंद मजदूर किसान पंचायत परिवार एक ऐसा परिवार है जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करती है और उसके दुख सुख में बराबर भागीदार बनती है और आज से हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि उन गरीब लोगों की आवाज को और मजबूती मिलेगी और साथ में उन गरीबों को न्याय भी मिलेगा और साथ में आज के तारीख में हम कह सकते हैं कि हमारा संगठन माननीय आदरणीय करमवीर सिंह यादव जी के आने से, मुखिया जी के आने से हमारा संगठन पूर्णतः मजबूत होगा, इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। क्या नाम हुआ? राजू प्रसाद, प्रदेश किसान पंचायत। एक लाइन दे देते थोड़ा सा। मधु लिमिये किसी परिचित के मोहताज नहीं थे। मधु लिमिये इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे और आपको पता होगा देश की आजादी में 2 शख्स ऐसे हैं जो आजादी से पहले भी जेल गए और आजादी के बाद भी जेल गए। 12 साल का सजा काटा उन्होंने गोवा आंदोलन के तहत, गोवा को भारत में जोड़ने के लिए, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको भी हम लोग नमन करते हैं और इस आज के दिन पे हमें पूरी आशा ही नहीं विश्वास है इस महान क्रांतिकारी के पुण्यतिथि के दिवस पर आदरणीय मुखिया जी इस संगठन को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जिम्मेवारी वाला ताज आपको पहनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इससे इस संगठन से हिंद मजदूर किसान पंचायत के संगठन में आने के बाद हमको और बल मिलेगा सेवा करने के लिए और कोई भी मजदूर, कोई भी किसान, कोई भी दुख सुख में रहेंगे, एक इस संस्था से बल मिलेगा कहीं भी किसी भी जगह कहने में और कोई भी काम कराने में हमें सहूलियत होगा। इसलिए हम किसान हिंद मजदूर किसान पंचायत आज से संरक्षक के रूप में हमें मनोनीत किए हैं, इसलिए हम इनका सदा आभारी रहेंगे।